हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। और डेली के बेसिस पे कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, हर एक पर्टिकुलर पेज को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन रहता है और ऑल न्यूज़पेपर में जो भी टर्म्स आए हैं रिलेटेड टू यूपीएससी, लाइक यहाँ पर आया है एक एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन, सभी नोट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के नोट्स में क्या है, सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यूपीएससी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ पेपर टू। सेकंड है दिल्ली गवर्नमेंट देश का मेंटोर प्रोग्राम जनरल स्टडीज़ पेपर टू, ये क्या है इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज़ 5G, हाउ इज़ 5G डिफरेंट फ्रॉम 4G, इसको डिस्कस करेंगे। 5G रोल आउट का प्लान चल रहा है। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पेगासस बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था, ये क्या है इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कोविड डेथ, सुप्रीम कोर्ट टू स्टीयर पेमेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू टेक द रेंस एंड मार्शल द एफर्ट टू पे कंपनसेशन टू फैमिलीज दैट लॉस्ट देयर रिलेटिव्स टू कोविड-19। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में, भारत सरकार में क्या चल रहा है, तो इसके चलते जो फाइनल अथॉरिटी होती है, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो फाइनलाइज करती है कि किसके लिए कौन से पर्टिकुलर सोशल इश्यू में हमने मुद्दा उठाना चाहिए। तो कोविड-19 देखिए, भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये रहती है कि वैक्सीनेशन, अभी जैसे बूस्ट कर रहे हैं, बूस्टर डोज दे दी है, तो भारत सरकार की ये कहती है कि आपको कोविड-19, क्योंकि हम आपका फंडामेंटल राइट है, उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, राइट टू लाइफ। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं ड्यू टू द कोविड-19। तो उसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कैसे जितने लोग कोविड-19 के उससे मरे हैं उनको कंपनसेशन कैसे दिया जाए। कोई, या तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आवाज़ उठाई, पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट ये बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से कि आप ये करो, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है सेंटर से कि आप ये करो, और उसके बेसिस पे सेंटर में प्रेशर पड़ता है सेंटर गवर्नमेंट में, और एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम हो जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर द कोर्ट ऑर्डर द स्टेट्स टू रीच आउट स्पेशली टू चिल्ड्रन और फंड बाय द पेंडेमिक। कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि जो लोग कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए हैं, जिनके जो फादर है मदर दोनों की डेथ हो गई है, तो इसके चलते हुए उन लोगों की जो डेटा है उसको अपलोड किया जाए, मॉनिटर किया जाए, और उसके बेसिस पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR के पोर्टल में वो सब चीज़ अपडेट होगी। तो उसके चलते हुए जब सरकार के पास डेटा होगा तो अगली स्कीम बनाई जा सकती है, राइट। तो अगली स्कीम है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट UPSC प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ पेपर टू NCPCR। ये सेटअप हुआ था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये एक्ट है पार्लियामेंट का, ये किसके अंडर है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये इंश्योर करता है चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट करना, ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। फंक्शन क्या है, एग्जामिन ऑल फैक्टर दैट इनहिबिट्स द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाई टेररिज्म, कॉम्युनल वायलेंस, रायट्स, नेचुरल डिजास्टर, डोमेस्टिक वायलेंस, HIV, एड्स, ट्रैफिकिंग, माल ट्रीटमेंट, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब इस चीज़ का फंक्शन है। तो दूसरा, सोशल ऑडिट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कैरीड आउट इंस्ट्रक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन 2015। नाउ हम डिसाइड करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं, न्यू हरियाणा लॉ में हिट जॉब्स ग्रोथ स्टेक होल्डर, ये कहते हैं। देखिए, एक कानून आता है हरियाणा में जहाँ पर बोला जाता है कि 75% जो आरक्षण है लोकल्स को दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। सोचिए, जिनके पास स्किल भी नहीं है, 75% तो लोकल के लिए, तो हरियाणा में, हरियाणा के लोग भी तो कहीं गए होंगे ना, दिल्ली में, गुरुग्राम में, तो वो कर रहे होंगे। बट यहाँ पर क्या बात आती है कि हरियाणा में एक कानून लाया गया जिसमें 75% आरक्षण उनके लोकल्स को दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर। तो स्टेक होल्डर क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर यानी कि ऑल ओवर इंडिया की GDP में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैं हूँ, मैं खुद GDP में स्टेक होल्डर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग फ्यूचर में जाके DM बनेंगे, प्रीवियस सिलेक्शन हमारे 17 उत्तराखंड में सिलेक्शन, तो हम एक तरह से, मैं स्टेक होल्डर हूँ, तो मैं भी ये कहूँगा कि यार लोकल्स के लिए 75 तो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, राइट, कम कीजिए उसको, बट लोकल्स को पहले ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद ऐसा सडन लॉ लेके आइए। जब लॉ लेके आते हैं, मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा कि पिछले 6 या 1 साल में पहले उनको ट्रेनिंग तो दे दो, उसके बाद कानून लेके आओ, कानून आएगा, जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो वापस आएंगे और उसके बेसिस पे हम इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ इसमें ऑलमोस्ट 99% एम्प्लॉय इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अर्न लेस देन 30,000 एंड फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द न्यू लॉ।
अब जो देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं कोई भी, वो होता है एस्टिमेट रेवेन्यू के बेसिस पे कि माइक्रो किसको बोलेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे और मीडियम एंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, और उसके चलते हुए ये सब अप्लाई हो रहे हैं नए लॉ में। अब सिंपल सी बात है यार, जो लोग काम करते हैं 30,000 के उसमें, तो वो लोग नया पर्सन कहाँ से लाएंगे, यानी कि लोकल्स में अगर स्किल नहीं है तो वो उसको 75% रिजर्वेशन, यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा सॉल्यूशन की पर्टिकुलर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में ये जो लॉ की कैटेगरी है, जो प्रोविज़न है, इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ बात करते हैं थर्ड न्यूज़ में, इट इज़ रिगार्डिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम सेफगार्ड, गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड ऑल फोन कन्वर्सेशन बिटवीन द मेंटोर एंड द मेंटी टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रंस, न्यू मेजर्स हैव बीन एडेड टू द देश के मेंटोर प्रोग्राम बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। इन ए सर्कुलर सेंटर टू द NCPCR, द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन सेड दैट इन केस ऑफ एन एडवर्स रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन अबाउट ए रजिस्टर्ड मेंटोर, द पर्सन विल बी डीरजिस्टर्ड इमिजिएटली। अब यहाँ पर क्या है, देश के मेंटोर प्रोग्राम की बात करूँ तो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप भी UPSC के एस्पिरेंट हैं तो आप भी ये इनिशिएटिव चला सकते हैं। बट मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट मतलब जो पर्टिकुलर दिल्ली सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने अपने क्षेत्र में अव्वल दर्जे का काम किया है, जैसे इसरो के साइंटिस्ट से मिला दिया, उसको पर्टिकुलर 6 बच्चों का एक ग्रुप हो गया, उसको कॉल करी, ये सब चीज़ें देश के मेंटोर प्रोग्राम के अंदर आता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द देश के मेंटोर प्रोग्राम, राइट। नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं दिल्ली गवर्नमेंट देश के मेंटोर प्रोग्राम जनरल स्टडीज़ पेपर 2 टॉपिक कवर्ड इश्यू रिलेटेड टू एजुकेशन, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अबाउट द एक कॉन्ट्रोवर्सी हैज़ ब्रोकन आउट ओवर द दिल्ली गवर्नमेंट फ्लैगशिप देश के मेंटोर प्रोग्राम। तो हमें यहाँ से पढ़ना है, व्हाट इज़ द देश के मेंटोर प्रोग्राम, इट इज़ लॉन्च्ड इन द अक्टूबर 2021 एंड इज़ एम्ड एट कनेक्टिंग स्टूडेंट इन क्लासेस 9th to 12th विथ वॉलेंट्री मेंटोर्स। वॉलेंट्री मेंटोर्स मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे UPSC गाइड कर रहा हूँ तो मैं एज ए मेंटोर हूँ आपका, तो आपके लिए पर्टिकुलर क्या होगा, मैं उस चीज़ में काम करूँगा। नाउ पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 35 कैन साइन अप टू द मेंटोर्स थ्रू एन ऐप क्रिएटेड बाई द टीम एट द दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड विल बी कनेक्टेड विद स्टूडेंट बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंटरेस्ट। मेंटोरशिप इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर 18 से 35 साल के जो मेंटोर होंगे वो एक एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं PR पब्लिकेशन, सिमिलर चीज़ देश के मेंटोर में भी हैं। सिग्निफिकेंस, द आइडिया इज़ फॉर द यंग मेंटोर टू गाइड स्टूडेंट थ्रू हायर एजुकेशन एंड कैरियर ऑप्शन। 44,000 पीपल हैव साइंड अप एज मेंटोर सो फार एंड हैव बीन वर्किंग विथ 1.76 लाख चिल्ड्रन, इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ 5G इज़ डिफरेंट टू 4G। द डिफरेंस इज 5G यूजर्स यूटिलाइज मच हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ 28 GHz। सेकेंड थिंग इज 4G यूजेस लोअर रीडिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ 700 MHz टू 2500 MHz। थर्ड यहाँ पर 5G में डेटा जो फास्टर ट्रेवल होता है, 4G स्पीड इज़ लेसर देन लेसर डेटा ट्रांसफ़र, 5G हैज़ लोअर लेटेंसी दैट इज़ द डिले बिफोर ए ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिगिंस फॉलोइंग एन इंस्ट्रक्शन, लेटेंसी फॉर 5G इज़ प्रेडिक्टेड टू बी ए बिलो 10 ms। मीन्स कहने का मतलब क्या, अगर ईजी वे में इसको समझें तो पहले अगर एक मिनट में 4G का डाटा जा रहा है, अगर मैं यहाँ से कोई इंडिया से अगर कोई एक्सपोर्ट चीज़ कर रहा हूँ और लॉजिस्टिक डेटा भेज दिया, तो उसमें अगर 5G होगा तो वो 10 ms या टाइम बहुत कम होगा। लेटेंसी फॉर 4G इज़ अराउंड 20 to 30 ms। व्हाट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द फॉर UPSC मेंस, इट इज़ रिगार्डिंग द जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक पार्ट। तो हम क्या बात करेंगे कि हाउ 5G टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, कैसे 5G हेल्प करेगा। सबसे पहला हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इज़ बेटर गवर्नेंस, थर्ड इज़ लोअर लेटेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब जैसे 5G है तो 5G के बेसिस पर फ़ोन बनेंगे, 5G के बेसिस पर फ़ोन बनेंगे तो उसी के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इट विल इंक्रीज द इनहेंस्ड नेटवर्क कवरेज, एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया इंडस्ट्री बहुत फल फूलेगी, जैसे अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, ये सब चीज़ें। सिक्योरिटी इससे बढ़ जाएगी, 4G में डेटा ब्रीच होने का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि एक मिनट अगर मैं यार इंडिया से US कोई लॉजिस्टिक डेटा भेज रहा हूँ, अगर एक मिनट लग रहा तो उस एक मिनट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैक हो सकती हैं, राइट। बट अगर 5G आ गया तो ये सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं हमारी बढ़ा ही देगा। अब आप कहेंगे सर 5G ऐसा आज पेपर में कहाँ आया है, 5G मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको।
अब पूरे 5G के बारे में मैंने इतना डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि हमारे जो एडिटोरियल में पहली बात करूं वो तो है रिगार्डिंग द इलेक्शन, इस पे ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं करना। 7 of 13 गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन गोवा सिंस 1963 हैव बीन बाय कोएलिशन, मतलब जो कोएलिशन वाली सरकार होती है गोवा में वैसी सरकार बन रही है, तो उसके रिगार्डिंग पॉलिटिकल न्यूज़ है। आपको इस एडिटोरियल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नाउ सेकंड एडिटोरियल, इट इज़ अबाउट द 5G, द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट इज़ पोजिंग ए चैलेंज टू एयरलाइंस। ऐसा क्यों? Almost 11 months after the United States leading telecommunication companies won bids for $81 billion worth of C-band radio spectrum to roll out 5G services, अब US की एक कंपनी आई, उसको इस $81 billion का प्रोजेक्ट मिला। But the much awaited introduction hit a major snag this week after the country leading airlines warned of massive flight disruption if the wireless technology was put into ऑपरेशन, स्पेशली अराउंड द नेशन एयरपोर्ट्स। अगर देखो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है, हम 5G टेक्नोलॉजी करेंगे, देखिए बहुत सारे दूसरे हैं, एक तो टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेगी, उस पर उसके लिए टाइम चाहिए होगा। सेकेंड, COVID-19 आई है, 5G टेक्नोलॉजी इनरोल तो कर रहे हो, उसको सेटअप करना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कितना ज़्यादा है आप सोच सकते हो। अब बन गया तो एयरलाइंस नहीं चाहेगी ना यार, एक तो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपग्रेड करने में टाइम लगेगा, COVID-19 की सिचुएशन है। तो 5G टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो मैंने बता दिए, बट दूसरे फ़ायदे एयरलाइंस में इंप्लीमेंट करने के भी हैं। हालांकि साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड सेवरल यूरोपियन नेशन हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रोल्ड आउट 5G सर्विसेज एंड द US टेलकोज हैव साइटेड द लैक ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ज्यूरिडिक्शन एज एविडेंस दैट FAA एंड एयरलाइंस नीड्स टू डू मोर टू सॉल्यूशन टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी नियर एयरपोर्ट। अब बहुत सारे देखो, ये मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बात कर ली, ये सिचुएशन के बारे में भी बात कर ली, बट एक बहुत सारे US के लॉ भी होते हैं, अगर वो कहीं 5G टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रोल आउट कर रहे हैं, तो उनको उनके ही लॉ के बेसिस पे, प्रोविज़न के बेसिस पे इंडिया में रोल आउट करना पड़ेगा। और 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट व्लादिमीर पुतिन, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है, बस ये भी वही है कि यार RBI की एक रिपोर्ट आई, स्टेट फाइनेंस 2021-2022 विद द थर्ड टीयर गवर्नमेंट इन इंडिया प्लेइंग ए फ्रंट लाइन रोल इन कॉम्बेटिंग ऑफ द पेंडेमिक बाय इंप्लीमेंटिंग कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, हेल्थ केयर को अपग्रेड करना है, बूस्ट करना है। RBI ने फर्दर ये सॉल्यूशन बताएं कैसे इसको बूस्ट किया जा सकता है, और उसमें RBI ने हाईलाइट किया OECD को, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेटा शोज दैट इंडिया हैज़ द लोवेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन रेट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द प्रॉपर्टी टैक्स टू बी GDP रेशियो, बट दिस एक्सप्लेन्स ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर मेजर एम यार मेरा ये नहीं है कि RBI ने क्या क्या कहा, ये डायरेक्टली आपको नहीं जानना, ठीक है, कि RBI ने क्या किया, कौन से फैक्ट रैंडम फैक्ट हैं, बट यहाँ पर से पूरे एडिटोरियल को पढ़ाने का मेरा मतलब है कि यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अबाउट द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। अब ये एडिटोरियल एक और मुद्दा है, एनालिटिकल थिंकिंग, जब जनरल स्टडीज़ पेपर आप 3 पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, और ये रैंडम डेटा दिए हैं आप इसको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में, ये मैं पूरा एडिटोरियल क्यों नहीं बता रहा, पूरा एडिटोरियल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि UPSC, मैं हर दिन नहीं एक्सप्लेन करूँगा ऐसा, क्योंकि UPSC पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है। तो OECD डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, द OECD इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमी विथ वेरी हाई HDI। 1961 में बनी थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, मेंबर 36 हैं, और गवर्नमेंट एट ग्लैंस 2017 की रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक OECD बेटर लाइफ इंडेक्स इनके डेटा हैं। ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग कंजिस्टिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सब चीज़ें भी इसमें मेंशन कर दी हैं। नाउ नेक्स्ट है, इतनी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो एम्पलीफाई करते हैं फेक न्यूज़ को, बहुत ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा दे देते हैं। फेक न्यूज़ किस वजह से होती हैं? लो लिटरेसी रेट, जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग सोचने लग जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया कैंपेन चलानी चाहिए, नुक्कड़ नाटक करने चाहिए, ये वही सॉल्यूशन है। फेक न्यूज़ फैलती किस वजह से हैं? आप सबको पता है, बाइशनेस, कॉम्युनल वायलेंस, ये सब चीज़ें ये बढ़ावा दे देती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनोनिमिटी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सीडोनिम, ए फेक फोटो और द लैक ऑफ वन एंड नथिंग स्पेशल इन द बायो।
एक फेक फोटो होगी वो पोस्ट कर रहा होगा बीजेपी के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट, किसी धर्म के अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल रिफर्स टू एनोनिमिटी बाय चॉइस, बट व्हाट हैपेंस व्हेन प्लेटफॉर्म एक्टिवली इनकरेज पार्टिसिपेंट टू रिमेन एनोनिमस, राइट। पर यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये आता है कि फेक न्यूज़ पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शेयरिंग फेक न्यूज़, वही चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट्स में और आंसर राइटिंग में दे दूंगा। फेक न्यूज़ पे ऑलरेडी हम आंसर राइटिंग कर चुके हैं, राइट। तो फेक न्यूज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे। फेक न्यूज़, जनरल स्टडीज़ पेपर टू, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। न्यूज़ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क द सेंटर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जिस्टिंग लीगल मैकेनिज्म टू डील विद द कंप्लेंट्स अबाउट द कंटेंट ऑन टेलीविजन चैनल। फेक न्यूज़ क्या होती है, कोई न्यूज़ हो सकती है स्टोरीज हॉक्सेस क्रिएटेड टू डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म और डिसीव रीडर। और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या है, रिबूटल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैक्ट चेकिंग वेयर इन द फेक न्यूज़ इज डिबंग्ड बाय पॉइंटिंग आउट एरर्स मिसमैच। ऐसी एक बहुत सारी वेबसाइट काम करती हैं फेक न्यूज़ के लिए, जो बताती हैं कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है। कौन कौन से कानून है फेक न्यूज़ को कम करने के लिए भारत में, नहीं है। और हालांकि फ्री पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ फ्लोस फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी लिख सकता है। इसका मतलब यूट्यूब चैनल पर कोई पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आर्टिकल 19, मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे लिए कोई लॉ नहीं है कि तुमने गलत कैसे पढ़ाया। हालांकि फिर बच्चे क्या होंगे, अभी यहाँ पर ये है यार, डिमांड एंड नीड के बेसिस पर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी आप लोग वेट कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है यार, आर्टिकल 19 के है तभी मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो कानून आ जाता फिर मैं पूरा चेक करके, हालांकि अभी भी रिसर्च करके कराता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं, नॉर्मली कोई भी खोल दे रहा है, ठीक है, कोई भी खोल दे रहा है। क्वालिटी कंटेंट बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चों के लिए अवेयरनेस एक मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जज कर सकते हैं किसी के कंटेंट को। न्यू ब्रॉडकास्टर, इंडियन ब्रॉडकास्टर फाउंडेशन, ये सब कानून है, जनरली इंस्टीट्यूट हैं, ये काम करते हैं इस चीज़ के लिए, बट कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि चेक कैसे करना है, बहुत सिंपल है यार, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखो, मेंस के क्वेश्चन देखो, सॉल्व हो पा रहे हैं उससे वीडियो से, तो सिंपल सी बात है, उसको पढ़ो, नहीं तो उस वीडियो को उसी समय एंड करो। यहाँ पर से सॉल्व नहीं हो पा रहे, इस वीडियो को तुरंत एंड करो, ठीक है, कहने का मतलब यह है। बट यहाँ पर मैं एनालाइज करके ही देता हूँ, मेंस का जो क्वेश्चन आएगा उसी के बेसिस पर। कोई न्यूज़पेपर बड़ी चीज़ नहीं है यार, एक एक घंटे का देते हैं, समझने वाली बात नहीं है, जो चाहिए वो पढ़ो ना यार, जो चाहिए है वो पढ़ो, ये है मेन चीज़। अब बहुत सारे लोग इस पर भी एक दो मिनट बोल देंगे, डेंजरस प्रेसिडेंट इस पर भी बोल देंगे पर्टिकुलर बीजेपी, नहीं ऐसा नहीं है, जो चीज़ हमारे काम का है हम वही चीज़ पढ़ेंगे। नए कोविड के केसेस 3 लाख से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक एक दिन के बारे में बात है ये पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करते हैं, इसराइल टू प्रोब पेगासस स्पाइंग एलिगेशन, इसराइल चेक करने वाला है पेगासस से रिलेटेड। पेगासस क्या है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तालिबान सिख मुस्लिम नेशन रिकॉग्निशन, 18 मिलियन कोविड केसेस लास्ट वीक, WHO ने बोला है वी हैव फुलफिल्ड ऑल नेसेसरी कंडीशन बाय स्टोरिंग पीस सिक्योरिटी, सेज PM हसन। तालिबान ये कहता है कि हमें मुस्लिम नेशन का टैग दे दो। बहुत सारी कंट्रीज़ अब इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही हैं तालिबान का वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। पर यहाँ पर से हम जान लेते हैं व्हाट इज़ पेगासस। पेगासस क्या है, एक मैलशियस सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर है, और पेगासस डेवलप किया है इसराइल ने, NSO ग्रुप, 2010 में सेटअप किया गया था। और पेगासस को जीरो क्लिक अटैक भी कहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का मिस्ड कॉल वीडियो कॉल भी आ गई तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। रिसेंट स्टेप्स, भारत सरकार ने साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव NCCC, साइबर सुरक्षित केंद्र I4C, नेशनल साइबर क्राइम 13, ये सब खोले हैं। कोई कानून है, यस, IT एक्ट 2000, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2019। नाउ पूरा एनालिसिस हो चुका है, पेगासस आपने जान लिया है, और वर्ल्ड लेवल से हमारी कोई भी न्यूज़ मैटर नहीं कर रही है फॉर UPSC प्रीलिम्स और मेंस। आज का एनालिसिस यहीं पर करते हैं ख़त्म, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बाकी पेड प्लान्स आपको वहीं से मिल जाएंगे।